सो गाइज, अगर आप लोग अपने YouTube चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटा का क्राइटेरिया 365 दिन में पूरा कर लेते हो और इसी बार आप लोग को एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाता है या तो कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है, तो क्या आपका चैनल मोनिटाइज होने के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा? क्या आपका चैनल मोनिटाइजेशन ऑन होगा या नहीं होगा? इस वीडियो में आप लोग को टोटल थॉट आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कॉमेंट मुझे कर रहे थे कि सर मेरा अगर जो चैनल पे 365 दिन के अंदर 1 के सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटा का वॉच टाइम यहाँ पे क्लियर हो जाता है, तो मेरा चैनल पे कोई सा भी एक कम्युनिटी गाइन स्ट्राइक यहाँ पे मिला हुआ रहता है, तो क्या मेरा चैनल मोनिटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं होगा? तो इस वीडियो में आप लोग को टोटल चीज आप लोग को एक्सप्लोर करके आप लोग को बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अमित और आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारा चैनल एके टेक ऑफिशियल में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो जब भी बनाऊं तो ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो में सारा आप लोगों को डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर जो आपका चैनल पे 1K सब्सक्राइबर हो गया हो और 4000 का घंटा फास्ट टाइम आप लोग 365 दिन के अंदर आप लोग क्लियर कर लिए हैं और आप लोग का चैनल पे उसी बीच आप लोग को 1 स्ट्राइक या कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, तो उस पर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक एक भी एक्टिव हो जाता है, तो आपका चैनल वहां पे मोनिटाइजेशन इनेबल आप लोग को नहीं होगा, क्योंकि वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 90 दिन तक आपका चैनल पे रहेगा और जब तक वो आपका चैनल पे रहेगा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तब तक आपका चैनल मोनिटाइजेशन ऑन नहीं होगा। जब तक वो चैनल पर से आपका कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक 3 महीने के बाद आप लोग का हटेगा नहीं, तब तक आप लोग वहां पे मोनिटाइजेशन इनेबल आप लोग नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे आपका चैनल पे यहाँ पे मोनिटाइजेशन इनेबल होने से पहले आपका चैनल पे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाता है, तो आपका चैनल वहाँ पे मोनिटाइजेशन इनेबल आप लोग को नहीं होगा, आप लोग को वेट करना पड़ेगा 3 महीना, आप लोग को वेट करना पड़ेगा 90 दिन तक आप लोग को वेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, 90 दिन जैसे ही होगा वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपका चैनल पर से हटेगा, तभी आप लोग वहाँ पे चैनल मोनिटाइज के लिए एलिजिबल होंगे और तभी आप लोग को अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। ओके गाइस, तब वहां पे आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक का, तो आप लोग को कॉपीराइट स्ट्राइक आप लोग का चैनल पर रहेगा तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कॉपीराइट स्ट्राइक आप लोग पर रहेगा तो आप लोग का चैनल मोनिटाइजेशन इनेबल हो जाएगा, बट आप लोग को चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। अगर जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होगा तो आप लोग को 3 महीने तक आप लोग को रुकना पड़ेगा। जब तक आपका चैनल पे 1 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रहेगा या 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रहेगा, जब तक आपका चैनल पर से वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हट ना जाता है, तब तक आप लोग का चैनल मोनिटाइजेशन इनेबल आप लोग को नहीं होगा। ओके गाइस, यहाँ पे आप लोग को अप्लाई करने का ही ऑप्शन नहीं आएगा। अगर जो अप्लाई करने का ऑप्शन आ भी जाता है तो आप लोग अगर जो वहां पे अप्लाई कर भी दीजिएगा तो आपका चैनल मोनिटाइजेशन इनेबल नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर जो आप लोग का चैनल पे 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटा वाइट टाइम हो जाता है और इसी बीच आप लोग का एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाता है आपका चैनल पे, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा, उस कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को एक्सपायर होने दीजिएगा, क्योंकि वो 3 महीने तक आप लोग को रहता है चैनल पे, 3 महीने के बाद वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हट जाता है, उसके बाद आप लोग को चैनल को मोनिटाइजेशन इनेबल के लिए आप लोग को अप्लाई कर लेना है, तो आपका चैनल मोनिटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर जो कोई सा आप लोग को डाउट रहा होगा इसमें, आप लोग को मैं नहीं समझा पाया होगा, ऐसे तो मैं आप लोग को पूरा समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर जो आप लोग इस वीडियो में मैं जितना आप लोग को समझाया हूँ इससे आप लोग को अगर संतुष्ट नहीं हुए तो जो भी आप लोग को क्वेश्चन होगा तो ये वीडियो को नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप लोग कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।